एक फंडामेंटल एक डिजीज है, कैंसर है इंडियन मेंटालिटी में. दे कैन नॉट सीम टू अंडरस्टैंड कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट डज नॉट बिलोंग टू इंडिया. इंडिया का टू टंग नहीं है. इंडिया के फाउंडिंग फादर्स ने यूनाइटेड नेशंस में लिख के दिया हुआ है अपने उस लिखे को, जिसमें वो एक्नॉलेज करते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट कराया जाएगा और जहां पर यूनाइटेड नेशंस के डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये शामिल होगा. कश्मीर पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की वहां की लोकल पॉपुलेशन है वो सब पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं. खुद इन हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में इंडियन गवर्नमेंट कह चुकी है दे आर आर ओन बॉयज, यानी इनको पाकिस्तान और आईएसआई सपोर्ट नहीं कर रही है, लोकल इंसर्जेंसी है, रेबेलियन है. दे से इन इंग्लिश व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ रेबेलियन बिकम्स अ ड्यूटी. सो दुनिया में फ्रीडम फाइटर्स जहां भी काम कर रहे हैं, इन हमारी आपकी मेहमान ने इंसल्ट की है उन फ्रीडम फाइटर्स की लेजिटिमेट स्ट्रगल को, चाहे पैलेस्टाइन हो चाहे वो कश्मीर हो. इंडिया एक ऑक्यूपेशन कंट्री है, लोकल पीपल ऑफ कश्मीर डू नॉट रिकग्नाइज इट, यूनाइटेड नेशन डज नॉट रिकग्नाइज इट. किस मुंह से ये बात अटूट अंग की करते हैं. बट देयर इज नो शेम, देयर इज नो डिग्निटी इन द इंडियन पॉलिसी राइट नाउ. मेरा सलाम है. मकबूजा कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. हम आपके कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, आप हमारे कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं. यहाँ से साफ हो जाता है, वहां से हो जाता है की ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसमें आप कश्मीर. हाँ, मकबूजा कश्मीर में होना चाहिए ना कि उसको यूएन रेजोल्यूशन जो है उसके अंदर भी डिस्प्यूटेड लिखा गया है, और जो आपके भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे शिमला उसमें भी इसको डिस्प्यूटेड लिखा गया. तो देखिए, हिंदुस्तान की स्टेटेड पोजीशन कश्मीर को लेकर यही है कि वो भारत का अटूट अंग है, और जो आप यूनाइटेड नेशंस वाली बात कर रहे हैं उसमें उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा गया है, लेकिन कहीं भी उसको इंडिया को एक ऑक्यूपेशनल फोर्स की तरह अगर कोई दिखाएगा तो वो जैद हामिद ही दिखा सकता है, कोई सोच समझ वाला सोच बूझ वाला इंसान तो नहीं दिखा सकता. देखिए अली, हम सीधी बात जो बता रहे हैं कि ए इंडिया की ये कंट्रडिक्शन, ये डिसेप्शन, ये साइओप्स, ये झूठ अब पूरी पाकिस्तानी कौम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब ये इंटरनेशनल फोरम्स पर जाते हैं तो अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को लीगली यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करने वाला बताते हैं और कहते हैं इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. जब अपन से बात करते हैं, जब अपने एलाइज से बात करते हैं तो इसको अटूट अंग कहते हैं. अब बात इस पे नहीं हो सकती कि ये कश्मीर में प्लेबिसाइट कभी कराया जाएगा या नहीं, अब तो पाकिस्तानी कश्मीर को लेने की बात की जाएगी. और दूसरी बात आप नोट कीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे हमने 1300 साल हुकूमत की है, ये एक गुलाम रहे हमारे, इन दे सफर फ्रॉम अ टेरेबल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. ये उसी वक्त अच्छा बिहेव करते हैं जब इनको गुलाम बना के रखा जाए. ये तो मुसलमानों को कभी हटा ही नहीं सकते थे हिंदुस्तान से, ये अंग्रेज ने आके मुसलमानों को हटाया तो इनको थोड़ा सांस लेने का मौका मिला. और अब ये हिंदू ज़ायनिस्ट वो ख्वाब देख रहे हैं कि बर्मा से लेके काबुल तक एक अखंड भारत बनाएंगे. ये जो मर्जी मेरा मजाक उड़ा लें, क्योंकि लॉजिक और आर्गुमेंट तो इनके पास है नहीं, लिहाजा ये सिर्फ गालियां देने पे आ जाते हैं, जो इनकी असलियत है. इससे ज्यादा नापाक और पलीत कौम पैदा नहीं हुई कोई, लिहाजा इन लोगों के साथ मेंटेलिटी में आप सिर्फ तलवार की बात कर सकते हैं. यू कैन नॉट आर्ग्यू विद देम. आप हिंदू ज़ायनिस्ट के साथ, आप मोदी के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते. मेरा नाम तलवार है, मेरे साथ जितनी मर्जी तलवार की बात आप कर ले, लेकिन मैं तलवार की धार से लाकर नहीं करूंगी. मैं आपको आई विल हैंग यू एन ऑलिव ब्रांच. आप तलवार से लाए, मैं ऑलिव ब्रांच दूंगी आपको, क्योंकि मैं आपके लेवल तक गिर नहीं सकती. अफसोस की बात ये है, ये क्या बकवास है. मैं माफी चाहती हूँ, आई डोंट हैव अ बेटर वर्ड फॉर इट, कि हमने इन पर मुसलमानों पर इतने साल 1300 साल राज किया है. आप कौन सा जमाने में रह रहे हैं, और आपकी आपकी बातों पर तो गुस्सा नहीं, हंसी भी नहीं आती, तरस आता है मुझे आपकी सोच के ऊपर कि आप पता नहीं कौन से जमाने में रह रहे हैं, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. आप फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके मिसगाइड कर रहे हैं. आप पाकिस्तान के साथ कैसे दुश्मनी ले रहे हैं. तो आप तो ISIS के सिंपथाइजर हैं. आप कैसे किसी के बात कर सकते हैं कि फलाने कंट्री हाफिज शहीद जिसको आप साहब कहते हैं वो ही नजर आते हैं. उसकी वजह ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो वो बम्बई में हमले करवा देते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं तो वो पठानकोट में
टेररिस्ट अपने जो प्यादे हैं अपने उनको भिजवा देते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हाफिज सईद ने वाकई पूरे खत्ते का जो अमन और चैन है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। इज अ क्रिमिनल ऑफ साउथ एशिया, वो पूरे खत्ते का गुनहगार है। आपका लगता है कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको कश्मीर से आप नहीं कंपेयर कर सकते। कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है। आप अपने घर को संभाल के रखिए ना, दूसरे के सर पे क्यों लगा रही है, आपकी कमी है कश्मीर की। अली ये बात इनकी 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 बात, इन्होंने इससे पहले बात की कि हम तो आपको ऑलिव ब्रांच देना चाह रहे हैं। बीजेपी और बाल ठाकरे और बजरंग दल की और मोदी का एक स्लोगन है इंडिया में कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये इनकी सारी डिसेप्शन और झूठ और प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन है कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, कश्मीर को अटूट अंग अपना तस्लीम करते हैं। दूसरी बात, बलूचिस्तान की बात इन्होंने खुद एक्नॉलेज कर ली कि जी हम बलूचिस्तान में दखल इसलिए देते हैं कि आप वहां पे अपने लोगों को काबू नहीं कर पाते। कुलभूषण यादव को हमने बलूचिस्तान से पकड़ा है, इंडियन सर्विंग नेवल ऑफिसर। इस तरह अजीत कुमार डोवल अपने मुंह से कह चुका है कि वो टीटीपी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ एक इंसर्जेंसी बिल्ड कर चुका है। ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने फौजें किस आर्गुमेंट पे दाखिल की थी, ईस्ट पाकिस्तान में जो था हमारा पॉलिटिकल मसला था, इंडियन आर्मी क्यों दाखिल हुई, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को डिसमेंबर क्यों किया, अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट एग्रीमेंट। तो दिस इज द पॉइंट, हम इस ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि वी नो इट वेरी क्लियरली कि हम खुलकर एग्रेसिवली कश्मीर की रेजिस्टेंस को, कहने की आजादी को सपोर्ट करें, सिखों को खालिस्तान को सपोर्ट करें, नक्सलाइट्स मौज और सेवन सिस्टर्स स्टेट्स को सपोर्ट करें। एंड वी शुड पे बैक टू इंडिया इन द सेम कॉइन जिसमें इन्होंने हमें ईस्ट पाकिस्तान में हमें चोट लगाई, हमें टीटीपी के जरिए 1,00,000 पाकिस्तानी शहीद किए और बलूचिस्तान वन लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ सोर्ड। 1,000 साल हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह इन पर हुकूमत की थी यही जबान ये समझेंगे। यू पीपल आर ओनली इनसेन प्रोपेगेंडा लायर्स, दैट्स ऑल व्हाट यू आर, एंड डोंट यू वरी वी विल डील विद यू प्रॉपरली। वी हैव डेल्ट विद यू, हमने आपको सारी डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को लगे हाथ से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब मैं बोलूं हो गया आपका, आप सिर्फ अपनी असलियत और अपनी नस्ल दिखा सकते हैं। हम अपने ही मुल्क को संभाल रहे हैं। हम अगर इंडिया अगर प्रॉक्सी पाकिस्तान में भेज रहा है तो पाकिस्तान लोगों को स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट इंडिया इज डूइंग, थिंक अबाउट योर ओन पीपल, अपने लोगों का फायदा करो, लोगों को खुश रखो। खैर जितना हम इतना जिक्र नहीं करते कि जितना जिक्र आप कर रहे होते, शायद यूँ लगता है कि जिस तरह आपको खाना हजम नहीं होता है, हाफिज सईद का नाम ही आपकी कंट्री में ना हुआ पैदा ना होगा, आपको जेलसी है इस चीज की। राइट ये आपका ओपिनियन है, लेकिन आपको तो खाना भी शायद हजम नहीं होता है हाफिज सईद के नाम ये बगैर, और जिस किस्म की गुफ्तगू आपके प्रोग्राम्स में वहां पर इंडिया में हो रही है, हम फिर गलत गुफ्तगू करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, हवा में तीर नहीं चला रहे होते। आई विश आपने किसी सीनियर रिस्पॉन्सिबल समझदार आदमी को बुलाया होता, तो स्ट्रीट लैंग्वेज पता नहीं किस करने वाली खातून को आप ले आए, जिसको आर्गुमेंट करना चाहती है, बात ये तो उनकी सारी, असल में तो उनकी सारी बॉलीवुड की जो नापाक और पलीत जबान है वही उनकी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो रही है, वही उनके लीडर्स यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि कश्मीर मांगोगे तो चीन देंगे, इनमें कौन से डिप्लोमेसी और आर्गुमेंट है इनके साथ, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सोर्ड, इनसे आप उसी तरह बात कर सकते हैं। हम अजीत को कमेंट करेंगे, बकवास मत करें बाप, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे दिलों में क्या है, और अब ग़ज़वा हिंद, तुम्हारी सारी खुराफात का जवाब इंशाल्लाह ग़ज़वा हिंद में दिया जाएगा।